मौके पर लाखों यात्री जो है गोवर्धन मथुरा वृंदावन जाते हैं और ऐसे में रेलवे यार्ड से निकलकर रेवाड़ी के लिए मालगाड़ी को जाना था और रेलवे की ओर से यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अलवर स्टेशन से मथुरा की तरफ जाने वाले पहले गाजुकी पर भेजा जा रहा है और यहां से सभी यात्री जो हैं वो अपने गंतव्य को जाएंगे। और अभी 9:55 से इलाहाबाद एक्सप्रेस आने का टाइम है और उससे पहले ट्रैक दुरुस्त हो जाएगा। वही आपको बता दें, ADRM रेलवे मनीष गोयल ने जानकारी दी है, अलवर जयपुर पैसेंजर रद्द की गई है और 150 से ज्यादा स्टाफ लगा हुआ है। तो वहीं 4 JCB मशीन लगातार मालगाड़ी के डिब्बों को ट्रैक से हटाने के काम कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलवर मथुरा ट्रैक जो है वो बाधित हो गया है। एक मालगाड़ी यहां से गुजर रही थी और मालगाड़ी के 3 डिब्बे जो हैं वो बेपटरी हो गए हैं। तो ऐसे में लगातार जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो जुटे हुए हैं इस ट्रैक को फिर से सुचारू करने के लिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसे में लाखों जो यात्री हैं वो जाते हैं मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए। और ऐसे में जब तक ये ट्रक बाधित रहेगा तब तक उन लाखों यात्रियों को परेशानी होगी। आपको जीरा जसान की टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलवर में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के 3 डब्बे पलट गए हैं। आप मैं पीछे दिखा सकता हूं, यहां पर रेलवे यार्ड है और ये जहां ये डिब्बे पलटे हैं वो ये मथुरा ट्रैक है। चूंकि आज मुड़िया पुनो है, गोवर्धन वृंदावन आज बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग जाएंगे। आपको मैं बता सकता हूँ इस पूरे ट्रैक पर मेला स्पेशल गाड़ी चल रही है, उसके अलावा मथुरा रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन चल रही है। चूंकि आज एक बड़ा त्यौहार है गुरु पूर्णिमा का, सबसे बड़ी बात है रेलवे ने ये रात को 2:10 में घटना हुई है, एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ है। पर यहाँ पर अभी रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं ADRM जयपुर से, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 4-5 JCB लगी हुई हैं। अब आपको बताता हूँ मैं, यहाँ से जो यात्री जा रहे हैं मुड़िया पुनो पर गोवर्धन के लिए, उनके लिए यहाँ से अगला स्टेशन है गाजुकी, पहला स्टेशन पड़ता है मथुरा ट्रैक पर। वहाँ से रेलवे अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर टेम्पू ट्रक और बस लगा रखे हैं जहाँ से यात्री वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ से अपने गंतव्य स्थान गोवर्धन और मथुरा वृंदावन पहुँचेंगे। देखना होगा ये कितनी देर में पूरा रूट खाली होता है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर इलाहाबाद एक्सप्रेस आएगी जो जयपुर जाएगी। देखना होगा इसमें कितना और वक्त लगेगा। ये बड़ी बात है कि यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई, ये मालगाड़ी यहाँ से खाली होकर बांदी कोई जा रही थी और वहां से जहां भी जाती उनका गंतव्य तय किया जाता। वीडियो एनालिस्ट लक्ष छत्री के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया, अलवर। और सहयोगी स्वदेश कपिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश, देखिए कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे गनीमत की बात है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ऐसे में जो लाखों यात्री हैं वो सफर करने जा रहे हैं, इस ट्रैक के बाधित होने की वजह से कितनी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि प्रभावित हो रही है और फिलहाल कैसे सुचारू करवाया जा रहा है इस ट्रैक को? अंकुर, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मथुरा जो ट्रैक है, ये गाड़ी रेलवे यार्ड है यहाँ पर जी मथुरा ट्रैक के बगल में, वहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ से ये अलवर स्टेशन आ रही थी, यहाँ से इंजन चेंज होता और ये बांदीकुई या रेवाड़ी को भेजने वाले थे जहाँ से ये अपना सामान लेके लोड होके जाती। चूंकि ये जो अलवर मथुरा ट्रैक है यहाँ से इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ तक गाड़ियां जाती हैं, उनकी वजह से इस ट्रैक के जो 3 डिब्बे गिरे हैं उसकी वजह से यहाँ 3 गाड़ियां बाधित हुई हैं। एक तो मेला स्पेशल है जो लगातार अलवर और मथुरा चल रही है, जयपुर रेवाड़ी पैसेंजर है, इलाहाबाद भी कैंसिल हो सकती है क्योंकि वो अभी पहुंचेगी मथुरा, क्योंकि यहाँ लाखों यात्री पहुंचते हैं, बड़ा पर्व है ये, ब्रज क्षेत्र है पूरा अलवर से लेके गोवर्धन और मथुरा तक, वृंदावन तक, यहाँ लाखों आज यात्री अपने गुरु पूर्णिमा पर गुरु को मनाने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि यहाँ से रेलवे जो अधिकारी आए हुए हैं ADRM मनीष गोयल हैं, जो अपनी पूरी 150 लोगों की टीम को लेके आए हैं जयपुर से। रात को 2:10 पर यह हादसा हुआ और यहाँ पर 4-5 JCB लगाकर ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक ट्रैक
जो लाइन है वो खराब ना हो, उसको देखते हुए बड़े एहतियात के तौर पर बरती जा रही है जिससे कोई नुकसान नहीं हो। और दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से जो यात्री अनवर स्टेशन पर लगातार भीड़ है बड़ी, वो भीड़ यहाँ से टेम्पू बस और ट्रक के द्वारा गाजुकी एक स्टेशन छोटा सा पड़ता है जहाँ पर वो लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर गाड़ी इन्होंने लगा दी है, वहां से वो गाड़ी जाएगी मथुरा और गोवर्धन के लिए। देखना होगा, क्योंकि अभी एडीआरएम ने कहा है कि हम मिनिमम आधा घंटे बाद इस पूरे ट्रैक को सुचारू कर देंगे और जो बिजली की लाइन है उसको देखा जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रैक है जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है और दिल्ली जयपुर जो अलग ट्रैक है वो सेफ है, दोनों ट्रैक सेफ है। ये एक ट्रैक है जो दिल्ली मुंबई यहाँ से अलवर से मतलब मथुरा, अलवर से रेवाड़ी, रेवाड़ी से रिंगस चलती है ट्रेन है, उधर दिल्ली जाती है, मतलब पांच जोनों पटा हुआ है। अगर यहाँ से अपन थोड़ी सी बात करें तो थोड़ी सी दूर पर आगरा मंडल लग जाता है, गाजुकी पुलिया जो यहाँ लोगों को रोका गया उससे आगे आगरा मंडल लग जाता है। अगर वहां दुर्घटना होती है, अगर ये डिब्बे पटरी से उतरते तो आगरा मंडल की पूरी टीम आती, अभी रेवाड़ी और जयपुर की टीम आई हुई है और जल्दी ही ये पूरा ट्रैक दुरुस्त कर दिया जाएगा। जी अंकुर, स्वदेश कितना वक्त लग जाएगा क्योंकि अगली ट्रेन जो है वो कब आनी है और उससे पहले पहले इन्हें जो है ट्रैक पूरी तरीके से सुचारू करना होगा, तो कितना वक्त और लग सकता है? क्या आपकी बात हो पाई है रेलवे के किसी अधिकारी से कर्मचारी से इस बारे में? एडीआरएम मनीष गोयल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है, मैं मौके पर ही मौजूद था, उन्होंने कहा कि अभी एक घंटा और लग सकता है क्योंकि एक डिब्बा हटा दिया, दो डिब्बे आपस में चिपके हुए हैं, चूंकि वो गिर नहीं जाए तो बड़ी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया को जोड़ता है, इधर से अलवर से रेवाड़ी से भी ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है और दिल्ली से भी आती है, तो इसलिए इस ट्रेन का जो बिजली का ट्रैक है उसको देखते हुए बड़े एहतियात बरते जा रहे हैं, कोई चीज खराबी ना हो और पूरा ट्रैक और लाइन सुरक्षित निकाली जाए, तो एक घंटे के अंदर ये पूरा ट्रैक चालू हो जाएगा। इलाहाबाद एक्सप्रेस आने से पहले पहले इसको सुचारू करने की सूचना दी है, उन्होंने कहा है कि हम मेला स्पेशल को भी तुरंत ही ट्रैक ध्वस्त होते ही चलाएंगे। जी अंकुर, बिल्कुल स्वदेश, इलाहाबाद एक्सप्रेस जो है वो 9:55 पर बताया जा रहा है, मतलब लगभग 10 बजे के करीब, लेकिन अगर उससे पहले ट्रैक सुचारू नहीं हो पाता है तो क्या उसके लिए अलग से कुछ विकल्प रेलवे प्रशासन द्वारा कुछ सोचा गया है यहाँ पर, या उससे पहले ही हो जाएगा सुचारू? अंकुर, आपको बताना चाहूंगा, ये सिंगल ट्रैक लूप लाइन है जो अलवर मथुरा है, जो सिंगल ट्रैक लूप लाइन है, इस पर कोई विकल्प नहीं है। जब तक डिब्बे नहीं हटेंगे तो इलाहाबाद ट्रेन को हो सकता है एक घंटे रोकना पड़े, पर एडीआरएम ने विश्वास दिलाया है कि मेरी टीम और भी टीम आ चुकी है, अलवर की टीम है, रेवाड़ी की टीम है, राजगढ़ की टीम है, बांदीकुई से स्पेशल टीम आ चुकी है, करीबन 250 से ज्यादा लोग अब मौके पर मौजूद हुए और वो अपना बखूबी काम कर रहे हैं, पूरा एहतियात बरते जा रहे हैं जिससे ट्रैक बाधित नहीं हो और एक घंटे में इलाहाबाद और मेन जो लाइन जो मेला स्पेशल ट्रेन है उनके लिए तुरंत इस पूरे ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे लाखों यात्री गौरव पूर्णिमा और मूड़िया पूर्णो पर्व गोवर्धन जाके मना सके, मथुरा में और वृंदावन पहुंच सके। जी हम, ठीक है स्वदेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, अलवर में ये रेल हादसा हुआ जहां पर वार्ड से जो मालगाड़ी निकली थी उसके 3 डिब्बे पलटी खा गए, अब उसकी वजह से अलवर मथुरा जो ट्रैक है वो बाधित हो गया है, 3 ट्रेनें फिलहाल इससे प्रभावित हैं और उम्मीद है कि अगली ट्रेन जो कि 10 बजे के करीब आने वाली है इलाहाबाद एक्सप्रेस, उससे पहले पहले ट्रैक को सुचारू कर दिया जाए।